अबे यार इंडिया और इंग्लैंड का मैच है, वहां तो इंडिया जीतेगा ना ऑब्वियसली भाई। डिस्क्लेमर यही है कि डिस्क्लेमर का टाइम ही नहीं है भाई। हाँ तो भी आज हम बात करेंगे इंडिया के हवा में उड़ने से जमीन पर और अपनी औकात में वापस आने तक के सफर की। यार इंग्लिश बल्लेबाजों ने क्या उठाकर जमीन पर मारा इंडियन टीम को। बटलर ने इतना पेला जितना पेला जा सकता था, फिर भी एक बैट और एक बॉल से कितना पेला जा सकता था। के बाद पेशे हिदमत है 170। इन बेचारों को अभी 152 वाला दुख नहीं भूला था कि एक नया रोग मिल गया 170। अच्छा हो गया यार ये बाहर हो गया, क्योंकि ऐसे फाइनल का मजा नहीं आना था। मतलब अब ये छोटी टीम्स के साथ कौन मगजमारी करे भाई। अपनी लेवल की टीम इंग्लैंड के साथ खेलेंगे मजे से। अगर ये आ भी जाते तो फिर इनके साथ यही होना था कि तेल लगा के डाबर का बल्ला दे दिया बाबर का। सबकी बात करेंगे, इंडियंस की भी लेंगे, इन शट्टों की भी बात करेंगे, इरफान पठान की भी बात करेंगे, मीम रिव्यू भी करेंगे। लेकिन उस सबसे पहले मैं ये पूछूंगा कि हाँ भाई इंडियंस सूजी है, सूज तो गई होगी बल्कि अब तो फटकर हाथ में आ गई होगी। और जो इंडियंस ये कह रहे हैं ना कि भाई नहीं सूजी तो आओ कोने में सुझा देंगे, अब इसकी आदत डाल लो काका। और हाँ टीवी मत तोड़ना वरना फाइनल में अब्बा को खेलते कहाँ देखोगे, मतलब फाइनल में अब्बा को सपोर्ट नहीं करोगे। इन बेचारों की जलालत देखोगे, जिस टीम से ये हारे हैं उसी को फाइनल में सपोर्ट करेंगे। जमीन मिली बंजर और पड़ोसी मिले कंजर। तो भाई वीडियो का आगाज करते हैं एक शेर से। रेस में दौड़ता है घोड़ा, रेस में दौड़ता है घोड़ा, इंडियंस को इस टूर्नामेंट में मिला हाँ वही जो आप समझ रहे हो। सबसे पहले बात करते हैं इन दो शट्टों की। तो सबसे पहले इनको मैं यही कहूंगा कि बेटा तैयार हो जाओ, आई एम कमिंग। यू वाला कमिंग समझते हो? तू समझा? नहीं तू समझा नहीं भाई। जब कंडम यूज करके नाली में फेंक दिए जाएं और बच्चे उन्हीं को गुब्बारा समझकर मुंह में ले लें तो फिर वही बच्चे बड़े होकर ऐसी शक्लें बनाकर पाकिस्तानी टीम के खिलाफ बोंकते हैं। अब मैं ना आपको इनका तारुफ करवा देता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं इसकी। साउथ इंडियन मूवीज में ना ऐसा बच्चा पूरी फिल्म में बस इसी तलाश में होता है कि मेरा असल बाप कौन है। ए पिंड दा ओ मुंडा जिनू सारा पिंड कहता फिरता है कि ओ पुत्र तू अपने ही पुत्र है, तू अपने ही बच्चे है। अब ये दोनों सिर्फ वीडियोज ही नहीं बनाते बल्कि बहुत फेमस है। इतने फेमस है कि ये वाले भाई साहब कंडम की कमर्शियल में आते हैं कि ये वो चीज है जिस पर आपने कंडम चढ़ाना है और ये वो गलती है जो प्रोटेक्शन ना यूज करने की वजह से हो सकती है। ये इतना बोंकते हैं कि अगर मैं इनकी जगह दो कुत्तों की तस्वीर भी लगा दूं तो लोग समझ जाएंगे कि इनकी बात हो रही है। हार गए आज तो क्या हो गया? हाँ हमारा वर्ल्ड कप तो तभी हो गया था जब आपको फेंटी लगा दी थी। बिल्कुल। तो ये वीडियो खास हम उन पाकिस्तान फैंस के लिए लेकर आए हैं जिनको लग रहा था कि हमारी रोती हुई शक्लें देखने को मिलेंगी। ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलते हैं वो पहला ओवर मेडन निकाल दो लेटर सीरीज के लिए। इंडिया आओ अपनी अपनी विकेट पर खिलाओ तो वहां पर ये पहले ओवर में मतलब ये भरकर उनमें रन मार देंगे, कहेंगे हम फियरलेस क्रिकेट। जैसे ही बड़ा टूर्नामेंट होता है, आईसीसी टूर्नामेंट होता है, कोई बड़े मैचेस होते हैं, ना रोहित शर्मा ढंग से वहां पर खेल रहे हैं ना के एल राहुल खेल रहे हैं। क्रिकेट नॉलेज इनका बिल्कुल जीरो है, पता इन्हें एल का भी नहीं। बस ऐवी इंसान नुमा शक्ल उठाकर जंगलों से उठकर आ जाते हैं अपनी तरफ से तजिया करने। क्रिकेट नॉलेज इनको बस इतना ही है जितना सेमीफाइनल में इंग्लैंड के आउट थे। अब आओ आपको इनका तजिया सुनाता हूँ मैं। कैप्टन के नाम पे आपके बाबर आजम होते ले दे के आज जाके उन्होंने अपने 50 बनाए पहले। अपनी कैप्टेंसी के हालात देख लिए, रोहित शर्मा के नाम पर जो कचरा तुम लोगों ने कैप्टन रखा हुआ है ना उसकी परफॉर्मेंस भी बताओ ना। उसने भी आज आके बड़ी मुश्किल से 150 की है और वो भी नेदरलैंड के खिलाफ। फिर अबे मैं नहीं रहा, ये खुद कह रहे हैं, ये देखो। कहने का ये मतलब है कि रोहित शर्मा की अगर आप बैटिंग स्टैट्स भी देखने लगेंगे तो बिल्कुल भी प्रॉमिसिंग नहीं है। वर्ल्ड कप के अकेले इनिंग्स की बात करूं तो इतने घटिया स्टैट्स हैं कि तेंबा बबूमा भी उनके आगे सुपरस्टार बैट्समैन लगेंगे। बेटा एशिया कप में पाकिस्तान फाइनल खेला, इससे पहले T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान सेमीफाइनल खेला और आपकी टीम ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गई। और अब की दफा हम फाइनल खेल रहे हैं और आप सेमीफाइनल से ही बाहर हो। लास्ट 3 टूर्नामेंट्स में ये तो परफॉर्मेंस रही है तुम लोगों की। 2017 में आप किसी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचे थे और एट द एंड ये हुआ कि उसमें भी आपको पाकिस्तानियों ने पेल दिया। और अब की दफा सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने आपकी मुदी वाली कर दी है। ये कुत्ता है, ये गधा है, ये घोड़ा और ये मेरा लोहा है। आज आके तुम लोगों के पास एक कोहली और हार्दिक है और बातें सुनो इनकी। अजी डोमेस्टिक बरास्टर आगे हमने इंडियंस ने आईपीएल के जरिए क्रिकेट को बहुत बड़े बड़े स्टार्स दिए हैं। अजी मेरा आईपीएल के नाम पर जो फिक्सिंग करते हो ना उसके बाद तो यही हाल होगा ना। वो टाइट ने क्या जबरदस्त बात कही है, इमेजिन स्पेंडिंग बिलियंस ऑफ डॉलर्स एवरी ईयर ऑन आईपीएल एंड मॉकिंग पीएसएल अवर मनी एंड व्हेन अ रियल टूर्नामेंट अराइव्स योर टीम गेट्स नॉक आउट बिफोर पाकिस्तान एवरी टाइम। काफी तकलीफें हैं देखो इंग्लैंड के साथ, इंडिया जो है इंडिया के पास जो और इंडिया वैसी 200 साल की जो वो भड़क लेके बैठी हुई है
भड़क लेके बैठी हुई तुमने, तुमने राज कैसे कर लिया हमारे ऊपर काका, तुम्हारी जुबान तुम्हारा साथ ही नहीं दे रही। यही होता है जब फट कर गल सड़ जाए तो फिर कहां मुंह से बातें निकलती हैं। 9/11 वाले सीन के बाद ये हुआ था और 69 पोज के बाद ये। राहुल भले वो 50 की चाबी लगा के आते हैं कि 50 मारो मैं गया, मार दो यार, मैं तो चाहता हूं वो 50 ही मार दो, अपने 50 मारो अपने को चल जाएगा। तुमको हो जाना चाहिए बाहर, सबको बाहर करो, एक एक करके बाहर। सबसे पहला नाम केएल राहुल, छोटे मैच के बड़े खिलाड़ी और बड़े मैच में तो दिखाई नहीं देता भाई, बन जाता है बिल्कुल अनाड़ी। इरफान पठान ने ट्वीट किया था कि हार जीत होती रहती है लेकिन ग्रेस आपके पास की बात नहीं। अब मैं ना आपको इनकी ग्रेस बताता हूँ। अब आई थिंक 2012 के मैच की बात है कि साउथ अफ्रीका और इंडिया का मैच था। अगर अफ्रीका 100 से ज्यादा 128 कुछ रन कर देता और उसके बाद हार भी जाता तो पाकिस्तान ने आगे सेमीफाइनल में पहुंच जाना था, लेकिन हुआ यूं कि अफ्रीका 100 से ज्यादा कर गया, 128 कर गया, लेकिन मैच इंडिया से हार गया, लेकिन फिर भी पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच गया और हुआ कुछ यूं कि हम सेमीफाइनल हार गए। आपको याद हो कि ना याद हो, तब सुरेश रैना जो आजकल बड़े अच्छे ट्वीट्स कर रहे हैं ना, तो तब इन भाई साहब ने पाकिस्तान का सेमीफाइनल हारने के बाद ये ट्वीट किया था कि एक दो दिन लेट गए घर, वो भी बेशर्म की तरह। ये ग्रेस है आप लोगों की, ये तो औकात है तुम लोगों की। उसके बाद फिर जब जलील हुए तो भाई साहब अगले ट्वीट में कहते हैं कि जी फोन तो नेफ्यू के पास था, स्मार्ट फोन आर डेंजरस, डिस्कवर्ड इट लास्ट नाइट आफ्टर माई नेफ्यू पोस्टेड रैंडम ट्वीट्स, आई एम स्पोर्ट्स मैन एंड वुड नेवर डिसरिस्पेक्ट। असल में ना गलती इसकी नहीं है, अब इरफान पठान की मजबूरी है ऐसे ट्वीट्स करना, क्योंकि इंडिया में जितने भी मुस्लिम्स हैं उनको अपनी लॉयल्टी साबित करने के लिए ये सब करना पड़ता है। इनफैक्ट उनके कुछ मुस्लिम पॉलिटिशियंस हैं जिनको हर बयान के बाद अपनी लॉयल्टी साबित करना पड़ती है। और जब हिंदुस्तान हमारा बच्चा हमसे अलग हुआ था तो तब कायदे आजम ने भी वार्न किया था कि भाई आप में से जितने भी मुसलमान इधर रहेंगे उनको रोज अपनी लॉयल्टी साबित करना पड़ेगी जी। तो ये अपनी लॉयल्टी साबित करने के चक्कर में ऐसी हूतिया हरकतें करते हैं। हाँ तो भाई इंडियंस नहीं हो रही ना बर्दाश्त ट्रोलिंग, कहा था ना कि उतनी पेश करो जितनी बर्दाश्त कर सको। आपको कहा था कि बेटा पाकिस्तान ट्रोल करने में और मीम्स में 101 है जी, पाकिस्तान 101 और आपके मुंह में मेरा। यार मुझे एक बात समझ नहीं आई कि इंडिया पाकिस्तान से पहला मैच जीतकर इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही थी। मतलब ये रोना ऐसे बिहेव करना कि आप वर्ल्ड कप जीत गए हो, विक्ट्री लैप का सीन था, पूरे ग्राउंड के चक्कर लगाए जा रहे थे, क्यों भाई? इवन लास्ट टाइम पाकिस्तान वर्ल्ड कप में पहली दफा इंडिया से जीता था फिर भी हमारा इतना फजूल रिएक्ट नहीं था। उसकी वजह मैं आपको बताता हूं भाई साहब, इंडियन टीम को पता था कि जिस टीम से हम जीते हैं उससे जीतना वाकई मुश्किल था, काफी स्ट्रांग टीम से हम जीते हैं इसलिए वो ऐसा रिएक्ट कर रहे थे। ये इंडियंस इतने लंबे लंबे शो करते हैं भाई कि पाकिस्तानी टीम ये है, पाकिस्तानी टीम में अब वो बात नहीं है, और इनकी टीम हमारी टीम से मैच जीतकर ऐसे बिहेव कर रही होती है जैसे दुनिया की वर्ल्ड क्लास टीम को हराया है। वैसे बात तो सच है यार, बाकी इंडियंस से कहूंगा कि यार हौसला रखो, ये वही टीम है जिसने पाकिस्तान को पहले मैच में हराया था, तब ये आपके लिए बेस्ट टीम थी, अब इसी टीम को आप गालियां दे रहे हो। स्पोर्ट का पता मुश्किल वक्त में ही चलता है, गेम है होता है चलता है, लेकिन हाँ वो आपको याद करवाता चलूं कि पहले मैच में पाकिस्तान ने खुद खिलाया था कि चलो यार औलाद है अपनी इसको खिलाओ यार, वो होता है ना कि बाप कहता है कि बेटा शाबाश खेलो, तो वो सीन था। तो यार मैं आपसे एक और बात कहूंगा कि यार इंडियंस देखो अपनी टीम को इतना ट्रोल ना करो क्योंकि उसके लिए हम ही काफी हैं। तो भाई मैंने जब क्रिकेट वीडियोस बनाना शुरू की थी ना तो मैंने यही सोचकर शुरू किया था कि भाई मैं क्रिकेट को सपोर्ट करूंगा उसके बाद अपनी टीम को सपोर्ट करूंगा। मतलब मेरा मकसद यही था कि हम तमीज के दायरे में रहकर मैच का रिव्यू किया करेंगे, शुगर मेला लगाएंगे और मीम्स रिव्यू किया करेंगे। लेकिन जब वर्ल्ड कप का पहला मैच पाकिस्तान इंडिया से हारा तो इंडियंस ने मेरे कमेंट सेक्शन में, मतलब मेरा कमेंट सेक्शन जो था ना वो मुकेश सुरेश और पता नहीं कौन कौन सा यादव और पता नहीं क्या क्या नाम थे वो सब ने आकर गंद करना शुरू कर दिया। तो फिर उस वक्त मैंने डिसाइड कर लिया था कि आगे का आगे देखेंगे, लेकिन इस टूर्नामेंट में इंडिया जहां पे भी डाउन होगा हम इनकी लेंगे और इनको इनकी औकात याद दिलाएंगे। तो यार आज के लिए बस इतना ही, और अगर मीम रिव्यूज चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, हम आपके लिए कल मीम रिव्यू वाली वीडियो भी अपलोड कर देंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट सेक्शन में आके मुझे बताओ कि आपको वीडियो कैसी लगी है, कौन सा पॉइंट अच्छा लगा। अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लो, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी आपको। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, लव यू ऑल। पुल अप ऑन यू लाइक एजेंसी देता असरात मनफी तुझ में डर है आई कैन सेंस इट।